नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है मेरे एक और हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में, जिसका शीर्षक है आईएसएफजे पर्सनालिटी या द नर्चरर पर्सनालिटी। आईएसएफजे पर्सनालिटी का तात्पर्य है इंट्रोवर्ट, सेंसिटिव, फीलिंग एंड जजिंग। सबसे पहला होता है इंट्रोवर्ट। देवियों सज्जनों, आईएसएफजे पर्सनालिटी वाले अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। इनकी पर्सनैलिटी की एक खासियत होती है कि ये अपने कार्य में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और बाहरी दुनिया से बहुत कम मतलब रखते हैं या बाहरी दुनिया के कार्यकलापों में बहुत कम इंटरेस्ट रखते हैं। दूसरी क्वालिटी होती है सेंसिंग। सेंसिंग का मतलब यह होता है कि इस क्वालिटी वाले व्यक्ति दूसरों को देखकर, उनकी बातें सुनकर, उनके मन की फीलिंग को सेंस कर लेते हैं, उनकी मन की फीलिंग्स को पढ़ लेते हैं। इस प्रकार के क्वालिटी वाले व्यक्ति बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, तभी उनके अंदर यह कैपेबिलिटी होती है कि दूसरों की बातें सुनकर या दूसरों को देखकर उनके मन के भावों को पढ़ लेते हैं। तीसरा होता है फीलिंग। देवियों सज्जनों, इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ही ज्यादा केयरिंग होते हैं दूसरों के प्रति। फीलिंग्स इनकी इतनी सॉफ्ट होती हैं कि ये दूसरों की फीलिंग्स को बहुत जल्दी समझते हैं और दूसरों की भावनाओं के साथ बहुत जल्दी इमोशनली अटैच हो जाते हैं। इस प्रकार की क्वालिटीज वाले व्यक्ति दूसरों की बहुत ज्यादा हेल्प भी करते हैं और दूसरों से बहुत ज्यादा हेल्प पाते भी हैं रिटर्न में, अपने अच्छे और केयरिंग नेचर की वजह से। लास्ट क्वालिटी होती है जजिंग। देवियों सज्जनों, इस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स वाले व्यक्ति दूसरों को भली भांति जज करते हैं। किसी इवेंट को, किसी व्यक्ति को, किसी घटना को बहुत ही सही तरीके से जज करके सही निष्कर्ष देते हैं। इसलिए इस प्रकार की पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति आपको उन प्रोफेशंस में अक्सर मिल जाएंगे जहां पे जजमेंट देने वाला कार्य किया जाता है। जजमेंट देने वाले कार्य का मतलब यह है कि ये लोग बहुत ही सटीक जजमेंट करते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल वे में हो या नॉन प्रोफेशनल फैमिली रिलेशनशिप के मामले में हो। इनकी जजमेंट बहुत ही परफेक्ट होती है और इनकी जजमेंट करने की एबिलिटी की सभी जगह प्रशंसा होती है। तो देवियों सज्जनों, ये कुछ क्वालिटीज होती है आईएसएफजे या नर्चरर पर्सनैलिटी वाले व्यक्तियों की। ये व्यक्ति बहुत ही प्रतिभावान होते हैं और दूसरों की फीलिंग्स की बहुत ज्यादा कदर करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज में अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बनाने में समर्थ होते हैं। लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं और इनके द्वारा बताए गए मार्ग पे चलने में भी झिझकते नहीं हैं। इस प्रकार की प्रतिभा वाले व्यक्ति यदि किसी को कोई गाइडेंस देते हैं तो दूसरे व्यक्ति इनके नेचर और भावनाओं के कारण उसे मानते हैं। जो भी टास्क इस प्रकार के व्यक्ति दूसरों को करने के लिए कहते हैं, दूसरे व्यक्ति उसमें जजमेंट नहीं करते, उनकी बात को मानते हैं, क्योंकि उनका खुद का व्यक्तित्व ही इतना प्रतिभावान होता है। तो देवियों सज्जनों, ये कुछ क्वालिटीज हैं नर्चरर पर्सनैलिटी की। अगर ये क्वालिटीज हर व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी में डेवलप करे तो वो भी एक प्रतिभाशाली और प्रतिष्ठावान व्यक्ति बन सकता है। तो देवियों सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं मेरे आज का वीडियो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को Er.Piyush पांडे ट्रेनर बीटेक एमबीए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।